हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको टोमेटो फेशियल का एक आसान सा उपाय बता रही हूँ जिससे आपकी त्वचा के रंग में काफी निखार आएगा। यह फेशियल आपकी त्वचा के दाग धब्बों को भी दूर करेगा और आपकी त्वचा को सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग भी बनाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को भी क्लिक कर ले नए वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टोमेटो फेशियल के लिए सबसे पहले आपको क्लींजर करना होगा। क्लींजर के लिए मैं यहां इस्तेमाल कर रही हूं गुलाब जल। गुलाब जल आपकी त्वचा को अच्छे से क्लीन करेगा। आपकी त्वचा पर जो भी धूल मिट्टी गंदगी होंगे वो अच्छे से क्लीन करेगा। आप गुलाब जल की जगह पर कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा दूध नेचुरल क्लींजर का काम करता है और आपकी त्वचा को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है। आपको गुलाब जल लेना है, एक कॉटन का बॉल लेना है, इस तरह से। इससे आप अपनी त्वचा को अच्छे से क्लीन कर लें। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अब बारी आती है स्क्रब की। स्क्रब तैयार करने के लिए मैं आपको बताती हूं इसके लिए जो भी चीजें आपको चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है चावल का आटा। चावल का आटा आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा या फिर चावल को पीस करके आप घर पर भी चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा घरेलू स्क्रब का काम करता है। यह स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चावल के आटे के इस्तेमाल से आपकी त्वचा सॉफ्ट स्मूथ और ग्लोइंग होगी। अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है टमाटर का रस। अब इन दोनों चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। आपका स्क्रब तैयार हो गया है। इससे अपनी त्वचा पर और गर्दन पर अच्छे से स्क्रब करें। दो से तीन मिनट तक आपको स्क्रब करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से अपने त्वचा को आप स्क्रब करें। इससे आपकी त्वचा काफी सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी त्वचा अच्छे से क्लीन भी हो जाएगी। टमाटर का रस हमारी त्वचा के दाग धब्बों को दूर करता है और चावल का आटा स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करने के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं आप त्वचा पर काफी ग्लो आ गया है और त्वचा अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ फेस पैक कैसे आपको तैयार करना है। फेस पैक के लिए आपको चाहिए होगा बेसन। आपको बेसन लेना है लगभग 1 से 1.5 चम्मच। बेसन भी हमारी त्वचा को गोरा करने में काफी मदद करता है। बेसन के इस्तेमाल से आपकी त्वचा में जमी गंदगी आसानी से साफ हो जाते हैं। इसके अलावा ये आपकी त्वचा को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, साथ ही ग्लोइंग भी बनाता है। इसमें आपको मिक्स कर लेना है शहद। आधा चम्मच आपको इसमें शहद मिक्स करना है। शहद हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही ग्लोइंग भी बनाता है। शहद से आपकी त्वचा की बारीक लाइनें और झुर्रियां भी दूर हो जाएंगे और आपकी त्वचा काफी ग्लोइंग और खूबसूरत हो जाएगी। अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है टमाटर का रस। टमाटर विटामिन सी से भरपूर होता है जो हमारी त्वचा के रंग को गोरा बनाता है। यह हमारी त्वचा को नेचुरली ब्लीच करता है। अब इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसका इस्तेमाल करना है आपको अपनी त्वचा और गर्दन पर अच्छी तरह से, चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से इसे लगाएं। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो आप अपनी त्वचा को नॉर्मल पानी से धो लें। यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल करके आप जरूर देखें। इस टोमेटो फेशियल से
आपकी त्वचा में काफी निखार आएगा, आपकी त्वचा काफी ग्लोइंग हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।